जी, 802.1x फ्रेमवर्क। बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप लेयर टू के ऊपर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ऑथराइजेशन कर सकते हैं बोथ ऑन वायर्ड स्विचेस एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। दिस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, अ मैकेनिज्म विच वी विल यूज। 802.1x में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ग्लव्स यूज होगा ऑथेंटिकेटर। 802.1x में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। लव्स यूज होगा ऑथेंटिकेटर, सप्लीकेंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर। सप्लीकेंट इज बेसिकली द एंड पॉइंट जिसने क्रेडेंशियल्स सप्लाई करने हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड और वॉट एवर। ऑथेंटिकेटर इज बेसिकली द मिडल मैन जिसने इन क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेशन सर्वर तक पहुंचाने हैं। So supplicant will send credentials, authenticator will pass those credentials to authentication server. Authentication server is the person where your username and password sent or submitted will be verified or authenticated, and permit or deny verdict will be responded or replied back. हमारे केस में सप्लीकेंट हमारे टैब हो सकता है, हमारा पीसी हो सकता है, वायर्ड पीसी हो सकता है, वायरलेस पीसी हो सकता है, वीपीएन से आया हुआ कोई पीसी हो सकता है। ऑथेंटिकेटर दरमियान में हमारा स्विच हो सकता है, वायरलेस एपी हो सकता है या एएसए वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर हो सकता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर फॉर श्योर हमारा आइस का पीएसएन है जिसने उस क्रेडेंशियल को ऑथेंटिकेट करना है। अब ऑथेंटिकेशन जो है उसको करने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए, तो अगला होता था और उसकी बेस पर एक्सेस, एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती थी। सो यहां पर सिंपल पैप या चैप को यूज करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बना हुआ है टेलको लाइंस के लिए जो पॉइंट टू पॉइंट सर्किट स्विच टेलीफोनी होती थी, और उसके ऊपर टैपिंग, वायर टैपिंग तो मुमकिन थी लेकिन फिर भी काफी रेयर था कि ऐसा हो या कोई ऐसा करे। लिहाजा बहुत बढ़ गए हैं, वहां पे सिंपली पैप और चैप को यूज करना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा एक मोर वर्सटाइल ऑथेंटिकेशन नॉमनक्लेचर या फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है और उसको ईप कहते हैं, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। सो ईप इज बेसिकली एन एनहांस्ड फॉर्म ऑफ पैप एंड चैप। सो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल is the authentication mechanism which we will use to authenticate our supplicant in front of authentication server. So supplicant will use EAP, extensible authentication protocol, to talk to the authentication server, and this will be EAP lingo using which username and passwords will be authenticated. Now how does this EAP work? तो होगा ये कि इनिशियली तो एज्यूम कीजिए कि जो सप्लीकेंट है इसको अगर आपने स्विच की किसी पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो जो आपका सप्लीकेंट है उसको शायद अभी आईपी भी ना मिला हो। जब पोर्ट कनेक्ट की है तो उसको आईपी भी नहीं मिला हुआ, तो अगर अभी आईपी भी नहीं मिला हुआ तो ये तो बहुत इनिशियल फेज ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ लेयर टू कम्युनिकेशन हो सकती है, इथरनेट फ्रेम्स एक्सचेंज हो सकते हैं, यू डू नॉट हैव लेयर थ्री अप एंड रनिंग सो फार। सो बिकॉज लेयर थ्री इज नॉट अप ऑन दिस सप्लीकेंट, देयर मे बी सच चांस, तो हम फिर आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, यानी ईप शुड नॉट रन ओवर आईपी देन।
इसको प्लग इन प्ले होना चाहिए, आईपी हो सप्लीकेंट के पास या ना हो। लिहाजा ईप वर्क्स डायरेक्टली ओवर लैन, यानी ईप का जो पैकेट्स हैं वो डायरेक्टली स्टफ होते हैं इनटू ईथरनेट फ्रेम्स एंड दे मूव फ्रॉम योर लैन कार्ड टू द स्विच। स्विच देन एक्सट्रैक्ट्स ईप डेटा फ्रॉम ईथरनेट फ्रेम एंड विल स्टफ इट इनटू द रेडियस एट्रीब्यूट्स, will translate your EAP into radius because authenticator and authentication the EAP will eventually land on authentication server. So EAP over LAN is the protocol which is working between supplicant and authenticator, and EAP over radius is the protocol which works between your authenticator and authentication server. So jo management plane mein ऑथेंटिकेशन या ट्रिपल ए को एनेबल किया जाएगा, उसमें 802.1x के अंदर तीन रोल्स हैं। इस फ्रेमवर्क में तीन रोल्स हैं, एक सप्लिकेंट, ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन सर्वर विच इज आइस। अब सप्लिकेंट और ऑथेंटिकेटर और ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान डिफरेंट डेटा लिंक लेयर्स हैं। So you have a data link layer between supplicant and authenticator, and then you have a data link layer between your authenticator and authentication server. अच्छा, ये जो authenticator और authentication server है, जरूरी तो नहीं है कि ये एक ही data link layer पर हों। There may be a design जिसके अंदर, rather there always is a design जिसके अंदर आपका ये जो स्विच है दैट मे बी कनेक्टेड विद योर एंटरप्राइज डेटा नेटवर्क एंड समवेयर ऑन द ईडीएन यू हैव आइस सर्वर। सो डेफिनेटली आइस की पीएसएन और ऑथेंटिकेटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है दैट इज यूजिंग रेडियस which is running on top of UDP, which is running on top of IP, and IP is riding on top of Ethernet usually. So जो authenticator से authentication server के दरमियान communication है that is like this, radius over UDP over IP over Ethernet, or whereas the supplicant and authenticator communication, this is a shared data link layer usually. आपका जो PC है उसकी directly cable इसमें plug हो रही होगी, और अगर Wi-Fi है तो वो directly उसके radio से connect होगा। So यहाँ पर जो communication है that is sole on Ethernet. We do not use upper layers, IP, TCP, UDP, nothing like that. और इस Ethernet के ऊपर the protocol that will write will be EAP, extensible authentication protocol. We could have used PAP, we could have used CHAP, aur aapko pata hai PAP aur CHAP jo hain wo PPP protocol ke andar built in hai, PPP supports PAP and CHAP. So we could have used PPP over Ethernet, और ये अक्सर आप यूज भी करते हो। This technology is known as PPPoE. PPP over Ethernet का फायदा ही ये है कि वो Ethernet के अंदर जो missing piece है authentication, वो उसको ले आता है इसमें। तो दुनिया networking के अंदर PPPoE का एक अपना मुकाम है, एंड PPPoE इज स्पेसिफिकली यूज्ड इवन टुडे फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस विद इन ईथरनेट। एनीवे, हम PPP का इस्तेमाल यहां नहीं करेंगे बिकॉज PPP ऑफर्स वेरी लिमिटेड ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू द मैकेनिज्म यूजिंग विच यू ऑथेंटिकेट, एंड CHAP एंड PAP इज नॉट सिक्योर मैकेनिज्म। This mechanism can be used if you are on circuit switched lines, लेकिन Ethernet के ऊपर most of
the medium is shared और इसके अंदर कोई भी किसी का भी data sniff कर सकता है, eavesdrop कर सकता है. So PPP family riding over Ethernet is not a choice here. We are not going with this stack. तो फिर क्या करेंगे? We will use EAP and EAP is just like PAP and CHAP. This is a rule and regulation that will allow you to authenticate in front of an authentication server. But EAP itself cannot travel. This is just a packet that will hold authentication information. But in order for this packet or this datagram to reach its destination, which is an authentication server, EAP datagram must ride over another protocol. So the first protocol it will write on will be Ethernet. So here we call it EOL, yeah, EAP over LAN. In this section, from supplicant to authenticator. And from that point onward, this EAP packet will be extracted from Ethernet. The information will be extracted out of an Ethernet frame. And this EAP will ride over radius. EAP radius ke upar stuff kiya jayega. Radius eventually will be stuffed into UDP, IP, and Ethernet. So this is how the traffic will go out of authenticator's port targeted towards ICE. So I hope you understand the flow, the mechanism based upon which we are going to authenticate a supplicant in front of an authentication server. तो EAP ने राइट करना है. अंदर आप देखिए मुख्तलिफ टनल्स हैं. एक टनल जो यूज की जा रही है वो ईथरनेट की है, दूसरी टनल जो यूज की जा रही है वो रेडियस की है. बस उसके अंदर EAP फ्लोट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सप्लिकेंट टिल योर ऑथेंटिकेशन सर्वर विच इज आइस. तो इसका मतलब ये हुआ कि EAP को देखना पड़ेगा व्हाट EAP इज ऑल अबाउट.